आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक नए महीने में प्रवेश किए हैं, आज एक नया दिन है। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, हमारी प्रथा है नया महीना मतलब एक नया टॉपिक। और इस महीने हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं और वो है मेंटल हेल्थ। दोस्तों, हम जानते हैं आज के समय में चाहे वो बूढ़ा है या बच्चा है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, अमीर है गरीब है, हर कोई किसी न किसी तरह से मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। हमारे आसपास समाज में हम कई लोगों को देखते हैं जो बैटल कर रहे हैं। इस पूरे महीने हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ का विषय कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और इसका सामना हम कैसे करें। शायद आप होंगे जो खुद मेंटल हेल्थ से फाइट कर रहे हैं इस समय। हम आपको बताएंगे कि कैसे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, गीतों से, गवाहियों से कैसे हम इस मेंटल हेल्थ पर विजय पा सकते हैं। दोस्तों, इस समय भी रिबेका हमें बताने जा रही हैं कि इस पूरे महीने हमारे लिए क्या कुछ एक नई जिंदगी में रखा है। आइए दोस्तों, रिबेका के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं इस पूरे महीने हम एक नई जिंदगी पर क्या कुछ देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच राहुल। बिल्कुल, हम इस महीने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको हर सुबह बिस्तर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है? अपने रोजमर्रा के जो काम है उन्हें करने में आपका मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि बस एकांत में पड़े रहें और अपने आप से ही बातें करते रहें। क्या आप भी बहुत सारे लोगों की तरह मेंटल स्ट्रेस या तनाव से गुजर रहे हैं? तो क्यों ना आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर हमारे साथ जुड़े और हम मिलकर आपके और हमारे जैसे लोगों के जीवन की जो सच्ची कहानियां हैं उन्हें देखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में मेंटल हेल्थ इश्यूज पर जय पाई। जीवित परमेश्वर के जो जीवित वचन हैं हम उन्हें सुने। प्रभु यीशु मसीह ही वो जगत की ज्योति है, वो जीवन की ज्योति है जो हमारे दिमाग की काल कोठरी में रोशनी लेकर के आता है, जीवन लेकर के आता है। मेरे जीवन में एक चिंता थी भविष्य को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही है। उस चिंता ने जो भविष्य को लेकर थी, अभी वो जगह को आनंद ने और प्रभु यीशु मसीह की शांति ने मेरे जीवन में भर दिया है। मैं मानसिक रूप से परेशान और दुखी थी। उसी समय एक पास्टर ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो। वह मेरे बारे में कह रहे थे, बहन आप नीचे नहीं बल्कि सबसे ऊपर हो, परमेश्वर आपके साथ है। जब यह पुष्टि मुझे मिली तो मैं बहुत खुश थी। परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं, ये वचन वास्तव में मेरे हृदय को छू गया और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया जब मैं गिर रही थी। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना पर अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। दोस्तों, बहुत सारे लोग आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं। जितने रियल मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उतना ही रियल परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की उपस्थिति उनका सपोर्ट है जो हमारे टूटे हुए मन को जोड़ता है और हमारे जीवन में हमारे मनों में रोशनी ले आता है। अगर आप भी मेंटल हेल्थ इश्यू से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों ना आप हमारी वेबसाइट पर जाएं cbnindia.org। यहां जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो आप जरूर एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर हमसे संपर्क करें। सो फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विल सी यू वेरी सून बैक इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच रिबेका। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं जितना हम उत्साहित हैं उतने ही आप भी उत्साहित हैं मेंटल हेल्थ के इस विषय को करीब से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से और समझ से हम हमारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस पर विजय पा सकते हैं। दोस्तों, अब लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद रिबेका भी हमारे साथ जुड़ेंगी और हमारे आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। क्या रोज किसी न किसी बात को लेकर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजरना पड़ता है? क्या आपका दिल पत्थर के तरह भारी हो जाता है ये सोचकर कि आपको फिर से दुनिया का सामना करना पड़ेगा? काम की टेंशन होगी, बच्चों की चिंता होगी। ऐसे समय में आप काउंसलिंग की मदद जरूर लें। इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने काउंसलिंग स्लॉट को आज ही बुक करें।
Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN Special Offers. And Step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक फ्रेंड्स, हमारे साथ रिबेका जुड़ गई हैं और जैसे हमने कहा इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ के टॉपिक को देखने वाले हैं। रिबेका, ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक होने वाला है। बिल्कुल, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस राहुल, बिकॉज मेरा मानना है कि हम सब मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजरते हैं, हम सब, इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है ये सीखने की कि हम कैसे मुश्किल परिस्थितियों में अपने मनोबल को बनाए रख सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही आज है 2 अक्टूबर, तो आज है गांधी जयंती और हमारे देश भर में हम सब मिलकर गांधी जी को याद करते हैं और ख़ास करके याद करते हैं कि कैसे उन्होंने जो हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, वो उन्होंने शांति के साथ, संयम के साथ, प्रेम के साथ, नॉन वायलेंस के साथ लड़ी। यस, और रिबेका, मैंने ये पढ़ा भी है कि गांधी जी के नॉन वायलेंस जो मूवमेंट था, उनकी जो सोच थी, इस पर गहरा प्रभाव प्रभु येशु ने छोड़ा था। वो शास्त्र पढ़ते थे और जो खासकर मती 5:6-7 में जो पहाड़ी उपदेश है, इनसे गांधी जी बहुत प्रेरणा पाए थे, जिनसे कि उन्हें लगा कि ये लड़ाई जो है आज़ादी की, ये मुझे नॉन वायलेंट तरीके से लड़ना है। जी, दैट्स वंडरफुल। गांधी जी ने परमेश्वर के वचनों से प्रेरणा पाई। दोस्तों, आप और हम भी इस पूरे महीने परमेश्वर के वचनों से सीखें, परमेश्वर से सीखें कि कैसे हम मेंटली स्ट्रांग रह सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं प्रियांशु से, जो अपने पापा को खोने के बाद सिगरेट का सहारा लेने लगे। इतने इस हद तक वो सिगरेट के आदी हो गए कि स्ट्रेस में, अकेलेपन में, खुशी में, हर समय वो सिर्फ सिगरेट का सहारा लेते थे। आइए उनसे मुलाकात करें कि जाने कि ऐसा क्या था उनके मन में जिसने उन्हें सिगरेट का आदी बना दिया, और क्या वो इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से, इन उलझनों पर जय पा सके। आइए उनकी सच्ची कहानी हम देखें, जो आपके लिए खास लखनऊ से लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नेहा शाह। पापा के जाने के बाद जब पापा का डेथ हुआ, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही सडनली हुआ। हमें यकीन ही नहीं हुआ कि पापा हमारे बीच में नहीं है। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तो बिल्कुल शॉक में रहा। धीमे धीमे जैसे जैसे समय थोड़ा बीतता गया, जितने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मुझ पे आने लगी। जिन जिन पड़ाव पे पापा की मदद मिलती थी और पापा से बातें करता था, जो शेयरिंग होती थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी लाइफ से। तो उस जो एक पार्ट था लाइफ में, बहुत ही लोनलीनेस हो गई थी। प्रियांशु अपने आप को बहुत अकेला पाने लगे और ऐसे समय में वो अपना दुख और दर्द किसी से बांट भी नहीं पा रहे थे। तो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच इतना दब गया था कि लाइफ में पूरी तरह से अकेला हो गया था। अपने घर में भी किसी से शेयर नहीं करते, वो भी एक अपने इंडिविजुअली एक स्ट्रगल को वो फेस कर रहे थे। मैं इस बात को सोच के रोता था कि मेरे पास पापा नहीं है। मैं इस बात को सोच के रोता था कि मेरे पास कोई बताने वाला नहीं है, मैं किसको बताऊँ। मैं सोचता था किसी को बताऊँ, किसी से शेयर करूँ वो चीज़ें, मगर कोई भी आसपास नहीं होता। तो मैं उन बातों को सोच के ऑलमोस्ट हर रात में रो के सो जाया करता था। प्रियांशु अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेने लगे। स्टार्टिंग में तो नो डाउट रिलीफ मिलता था। स्टार्टिंग जब पीना स्टार्ट किया, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बड़ा अच्छा लगने लगा, मगर धीमे धीमे जब लगे तो बॉडी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। और बहुत बार ऐसा भी होता था कि मैं रो रहा हूँ, मेरे आंसू टपक रहे हैं और मैं स्मोक कर रहा हूँ। तो स्मोकिंग जो है एक लाइफ का बहुत ज़्यादा जो है मुझ पर भारी पड़ गई थी, कि वह लाइफ का हर एक, चाहे फिर वो कभी एक फेज़ ये भी आया था कि लाइफ में जो खुशी हूँ तो भी स्मोक करके सेलिब्रेट कर रहा हूँ, दुख हुई हूँ तो भी स्मोक करके जो है उस समय को निकाल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण से और मेंटली थक जाने के कारण से परेशान रहने के लोगों से मिलना बंद कर देते थे। संडे को छुट्टी होती थी, मगर घर से नहीं निकलते, इवन घर वालों से तक बात नहीं करते एक घर में होते हुए। प्रियांशु के जीवन में एक ही साथी था, हाथ में जलती हुई सिगरेट। फिर एक दिन उन्हें यीशु के बारे में पता चला। जो इंसान संडे को परिवार से भी नहीं मिलते थे, वो हर संडे यीशु से मिलने चर्च जाने लगे।
एक दिन परमेश्वर के वचन से प्रभु के दास जो है वो साझा कर रहे थे, तो उन्होंने उस दिन मुझे वचन से मुझे पता चला कि बाइबल के अनुसार सिगरेट पीना या किसी भी प्रकार का नशा करना है बिल्कुल ही गलत है। उस दिन से मन में एक आया कि नहीं, जो पर जिस परमेश्वर को मैं जिसने मुझे चुना, जिसने मेरे मन का अकेलापन दूर किया है और जो मुझे प्यार करता है, मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ। तब से एक मन में इच्छा आई कि मैं नहीं, अब मुझे सिगरेट जो है छोड़नी है। प्रियांशु नशा तो छोड़ना चाहते थे पर उन्हें अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। बहुत कोशिशों के बाद भी जब मुझे सिगरेट के नशे से छुटकारा नहीं मिलता था, तो मैंने एक बार प्रार्थना किया था कि मैंने प्रार्थना किया कि मुझे 3 दिन चाहिए जिस दिन जो है मैं सबसे सेपरेट हो जाऊं, ऐसी जगहों से दूर हो जाऊं जहां पे जो है मुझे सिगरेट ना मिले। तो मुझे एक कैंप मिला, 3 दिन का कैंप था, उस कैंप में मैं गया, बाहर की दुनिया से पूरा सेपरेट हो गया था और मुझे लगा भी अब मुझसे ये जो है आदत छूट गई। मगर जब उस कैंप से जैसे मैं घर जा रहा था, घर से पहले ही मैं उतर गया और फिर मैंने स्मोक किया। उसके बाद से जब जब मैं स्मोक करता था तब मुझे मन में बहुत ज़्यादा एक गिल्ट बनने लगा कि मैं अब गलत कर रहा हूँ। एक कॉन्फ्रेंस में जाने का और मुझे मौका मिला, वहाँ पे लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के बाद से और अभी तक जो है सब सारी जो सिगरेट पीने की आदत छूट गई। आज वो अपने मेंटल स्ट्रगल से डील करने के लिए नशे का सहारा नहीं लेकर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। और जैसे जैसे मैंने सिगरेट के आदत को छोड़ा और परमेश्वर ने मुझे अपने चर्च के कार्यों में भी बहुत लगाया। छोटी छोटी चीज़ चर्च का आगाज छोटा सा काम से लेके हर एक कामों में परमेश्वर ने मुझे इन्वॉल्व किया और एक धार्मिक लोगों के बीच ही मुझे रखा। उससे मुझे स्ट्रेस से उन सब चीज़ों से डील करने बहुत सहायता हुई। अभी अगर मैं अपने लाइफ को देखता हूँ, स्टार्टिंग में जब मैं एक विक्टम अपने आप को दिखता था, मगर प्रभु ने मुझे पूरी उस विक्टम कार्ड से निकाल के मुझे अपनी विजय को दिया, अपनी विक्ट्री को दिया। और कभी भी कुछ होता है तो मैं सारी चीज़ें परमेश्वर पे सौंपता था, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अपना जो बोझ है, अपनी जितनी एंजाइटी टेंशन है वो मुझे दे दो, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। मैं वो कर उनको देता हूँ, वो फिक्र करते रहे, मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ। दोस्तों, हम सब जब अपने जीवन में प्रेम की कमी को एक्सपीरियंस करते हैं, अशांति को एक्सपीरियंस करते हैं, मुश्किल सर्कमस्टेंसेस को हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम किसी न किसी चीज़ का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने प्रियांशु के जीवन में देखा। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, कई बार ये गलत आदतें, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपनी जीवन में जो भी कमी है उसे परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो वो उसे अपने प्रेम से भर देते हैं और हम अपने मन में उस तंदुरुस्ती को, उस स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, इस पूरे महीने हम यही देखने वाले हैं कि कैसे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को हम सामना कर सकते हैं और कैसे उस पर विजय पा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे महीने हम मेंटल हेल्थ इस विषय को देखने वाले हैं। क्या ये विषय गंभीर है? कई लोगों का मानना है कि ये सारा जो मेंटल हेल्थ वाला इशू है ये हाल ही में आया हुआ इशू है। लेकिन दोस्तों, जब हम शास्त्र में देखते हैं तो हम कई किरदारों को देखते हैं, कई किरदारों की कहानी है, और उनमें से कई किरदार मेंटल हेल्थ के शिकार हुए और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना उन्होंने किया। चाहे आप जोना की कहानी ले, दाऊद की कहानी ले, मूसा की कहानी ले, हाना की कहानी ले, पतरस की कहानी, पॉल की कहानी, कितने लोगों की कहानियां हैं जब वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना किए, संघर्ष किए, कई उतार चढ़ाव से गए, और ऐसे में परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या थी? परमेश्वर ने उन्हें डांटा नहीं, परमेश्वर ने उन्हें ठुकराया नहीं, परमेश्वर ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम अगर मुझ पे विश्वास करते हो तो तुम मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से कैसे गुजर सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, उल्टा हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें सहारा दिया, उन्हें समझा, उन्हें सांत्वना दिया, उन्हें मजबूती दी। आइए दोस्तों, एक वचन को देखते हैं। खूबसूरत वचन है पौलुस का लिखा हुआ, 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और 10वां वचन। आइए हम देखते हैं परमेश्वर का ये अनमोल वचन हमसे क्या कह रहा है। 2 Corinthians 12:10, 2 Corinthians 12:10 कहता है, इस कारण मसीह के लिए मैं निर्बलताओं से, अपमानों में, कठिनाइयों में, सताव में, विपत्तियों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। क्या बात है दोस्तों, कमाल है ना। पौलुस कहता है, हाँ ये सच है कि मैं मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहा हूँ, मैं मानसिकता में, मैं तनाव में हूँ, मैं उपद्रव में हूँ, मैं सताव में हूँ, लेकिन ये सारे कमजोरियों में मैं परमेश्वर के बल को अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में। दोस्तों, ये हमारी भी कहानी हो सकती है,
कि हमारे संघर्षों में, खासकर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस में, हम परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ को, अनुग्रह को, प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। और यही हमारी प्रार्थना है दोस्तों, इस पूरे महीने जिसे हम परमेश्वर के वचनों को देखें, आप भी कह सकते हैं कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं परमेश्वर के सामर्थ को चखता हूं और जानता हूं। Wow, what a powerful way to start, friends. When I'm weak, then I'm strong. जब मैं कमजोर हूं, निर्बल हूं, तब मैं बलवंत हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। और हमारी यही प्रार्थना है कि इस पूरे महीने भर आप जानेंगे कि आप अकेले नहीं हैं और आप परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करेंगे। दोस्तों, अगर आज आप भी ऐसे ही चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, प्रार्थना चाहते हैं, तो प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमारी ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर पर हमें कॉल करें। नंबर है 9910 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही काउंसलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers, जहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें।
आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपये का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, आज से इस पूरे महीने भर हम मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। इनफैक्ट राहुल, वचन में हम पढ़ते हैं कि एज अ मैन थिंक्स सो इज ही, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। तो जब हम मन में कमज़ोर फील करते हैं, स्ट्रेस्ड एंक्शियस फील करते हैं, तो वो हमारे जीवन में हमारे कार्यों में भी दिखाई देता है। बिल्कुल रिबेका, इनफैक्ट हम देखते हैं कि जब हम बीमार होते हैं बाहरी रूप से तो कई सिम्टम्स दिखाई देते हैं। हाँ। जैसे कि बुखार आ गया या फिर या सर्दी हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन अक्सर जब हम कोई व्यक्ति को देखते हैं तो शायद हम भाव भी नहीं पाते कि ये मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहा है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ओपन हो, इसको एम्ब्रेस करें और जाने परमेश्वर के वचन से कि कैसे हम इस पर विजय पा सकते हैं। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। और अगर आप हैं कोई मेंटल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं तो इस समय आप भी जुड़िए हमारे साथ, या फिर आप कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मेंटल चैलेंजेस से गुजर रहे हैं तो उनके लिए साथ मिलकर दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। जब हम वचनों में देखते हैं, अलग अलग कहानियों में, जब लोग, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, राजा है या रंक है, जब वो चुनौतियों से गुजरे तब तेरा साथ उन्होंने अनुभव किया प्रभु। गुफाओं में उन्होंने अनुभव किया और प्रिजन्स में, जेलों में उन्होंने अनुभव किया प्रभु, अकेलेपन में अनुभव किया और बंधुए में अनुभव किया प्रभु। उनके हर मेंटल चैलेंज में तेरी उपस्थिति उनके साथ थी। तूने उन्हें सांत्वना दी, तूने उन्हें हिम्मत दिया, तूने उन्हें छुड़ाया प्रभु। और यही हमारी प्रार्थना है इस पूरे महीने प्रभु, हम आज़ादी को अनुभव करेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो वाकई में आज़ाद हुआ है। प्रभु हमारी प्रार्थना है हमारे प्रिय दर्शकों के लिए कि वो अनुभव करे इस आज़ादी को जो यीशु मसीह की देन है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों हमें यकीन है कि जैसे हम प्रार्थना किए हैं, आप परमेश्वर की आज़ादी को अपने जीवन में महसूस करें। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही आज़ादी को एक्सपीरियंस करते हैं। और आइए समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है, हमें बता रहा है कि हम डरे नहीं। क्यों ना डरे? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। हमारी लड़ाई वो हमारे लिए लड़ेगा, और जब वो हमारी लड़ाई लड़ेगा तो निश्चय है कि जय तो परमेश्वर की होगी और परमेश्वर में हम भी जय पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का वादा है वचनों में कि वो चाहता है हम जयवंत से बढ़कर जीवन जिए। और इस पूरे महीने हम देखेंगे कैसे परमेश्वर के वचन से हम थामेंगे, उन वचनों को स्वीकारेंगे, अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और आप और मैं जयवंत से बढ़कर जीवन जिएंगे। आमेन दोस्तों। और अब हम सुनने जा रहे हैं सेंट एंड्रूज चर्च बैंगलोर की कॉयर को, और ये गा रही है ये गीत एज द डियर पैंट्स। ये गाना जो राजा दाऊद द्वारा गाए गए खूबसूरत भजन पर आधारित है। तो आइए इस गीत को हम सुने और इसे आशीष पाए। कनाडा क्वायर ऑफ सेंट एंड्रूज चर्च बेंगलुरु स्तुति एट एंड्रूज प्रेजेंट्स बाय यारी द जिंके, वन ऑफ द लवली सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय रेवरेंड जे प्रभाकर ऑफ चिंतामणि बेस्ड ऑन साम 42। प्लीज जॉइन अस एज वी सिंग दिस सॉन्ग व्हिच कन्वेज दैट एज द डियर पैंट्स फॉर वाटर माय सोल पैंट्स फॉर यू ओ गॉड। A life without you is a barren land. A heart without you is like a desert. I depend on you to answer my prayers and fulfill my heart's desires.
वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कन्नड सॉन्ग. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. बहुत ही अच्छे से आपने इस गीत को गाया. थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू. दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहित हुए हैं. इस पूरे महीने के लिए आप उत्साहित हैं. एक खूबसूरत कहानी हमने देखी प्रियांशु की, कि कैसे परमेश्वर सामर्थ्य है और हमारे जीवन को बदलता है. हमारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस में वो हमें विजय दिलाता है. हमारी प्रार्थना है, उम्मीद है कि कल भी 6:30 बजे सुबह कलश पर हम हाजिर होंगे एक नई जिंदगी लेकर. एक नए एपिसोड को हम देखने वाले हैं रिबेका. जी बिल्कुल. और कल हम दोस्तों जानेंगे कि जब हम बहुत चिंता से भर जाते हैं, जो शायद रोजाना हम एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चिंता एंजाइटी, इसका हम कैसे सामना कर सकते हैं और इस पर कैसे हम परमेश्वर की मदद से जय पा सकते हैं. तो जरूर आप कल सुबह हमारे साथ जुड़े. एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे. मे गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स.